फिर बनान लग गए हम लोग। अब मेरे व्लॉग नहीं व्लॉग व्लॉग बना रहे हैं मैं व्लॉग बना रहे हैं। मैं क्या तबीयत खराब है मन हम ड्रेप लग गई लेकिन व्लॉग थोड़ी होने छड़ने व्लॉग श्लॉग बना बना लिए ना भाई। आज के व्लॉग में आपको बहुत सारे स्ट्रीट फूड देखने को मिलेंगे। इसमें मैं आपको पूरी मून मार्केट का विजिट करवाऊंगा। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाती है फूड के रेलिवेंट। यहाँ पर हर किस्म का फूड मौजूद है, पिज़्ज़ा शवारमा बर्गर जूसीज काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। लिहाजा यहाँ पर आप आएँ विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। बाकी सारा कुछ आप व्लॉग में देखें। अस्सलामुअलैकुम जी, फाइनली वी आर बैक विद एन अदर व्लॉग। सब बहनों का, भाइयों का, भाभियों का, अंकलों का, आंटियों का, खाला खालू मामू मामी तुसी भी कहना है। बखरे इंट्रो शुरू करते हैं, पता नहीं कितना कितना नाम लेता है भाई। मैंने कहा यार इंट्रो चेंज होना चाहिए, लेकिन शाम आपके भाई का ही रहेगा जी, आपके भाई का नहीं काम होगा। बाकी इंट्रो में ज़रा चेंजिंग हल्की फुल्की रहेंगी ताकि भाई आप लोग फन करें, इंजॉय करें, ये ना ना हो के बोर होना शुरू हो जाए, इसलिए आपका भाई ज़रा चेंजिंग चुंजिंग करता रहता है। तो यार आज के व्लॉग में ना ही मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि भाई मैं आपको किसी अच्छी सी प्लेस का विज़िट कराऊँगा, ना ही मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि भाई किसी अच्छे से फूड पॉइंट का विज़िट कराऊँगा। वजह ये है कि आज के व्लॉग में मुझे खुद नहीं पता भाई करना क्या है। उसकी ये वजह है कि भाई तकरीबन 2 से 3 दिन हो गए लगातार हॉस्पिटल चक्कर लग रहे हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, सारे मामला ठीक है। सिर्फ 10 मिनट के लिए एक दिन आपको भेजरा एडमिट हुआ था हॉस्पिटल, भाई मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया था। वो भाई इधर नानों की तरफ था, तो भाई एक दिन पहले आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि हमने भाई ज़रा कलेजी वगैरह खाई थी। ठीक है, वो एक तो कुछ वैसी वो हैवी थी और ऊपर से ना नानों की तरफ था। नानों को मैंने कहा कि हल्का फुल्का मुझे खाने को दे दिया, नानों ने मुझे चावल दे दिए। चावल तकरीबन 1-2 दिन पुराने थे। ठीक है, मुझे तो भाई एलर्जी हो जाती फ़ौरन। ठीक है, तो नानों ने चावल दे दिए, वो भाई सारी रात भाई वोमिटिंग और पेट ख़राब हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया। सुबह फिर भाई ड्रिप लगी और सुकून हुआ। फिर नानों हमारी अभी भी नहीं मानती, नानों कहती तेरा पेट ख़राब है, कलेजी हो जाना, चावल मेरे सही से। मैं क्या वाह वाह क्या बात है। तो भाई वैसे 1-2 दिन लगातार भाई हॉस्पिटल जा रहे हैं, असल में एक पेशेंट है। ठीक है, उसके साथ चेकअप चुकअप करवाने थे, तो इसलिए भाई हम ज़रा जा रहे हैं आ रहे हैं। तो इसलिए आज के व्लॉग में मुझे पता नहीं है क्या करना है। मैंने कहा यार व्लॉग शुरू करें, व्लॉग पहले शुरू करें, बाद में फिर देखी जाएगी क्या करना है। सबसे पहले तो भाई आप चलते हैं ज़रा नीचे, ठीक है, नानों का ज़रा डायलॉग आपको सुनाते हैं, फिर हम चलते हैं भाई, फिर देखते हैं क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या चाल है? ठीक हो, अल्लाह का शुक्र है, तुसी सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। मामा फिर बनान लग गए हम लोग। अब मेरे व्लॉग नहीं व्लॉग व्लॉग बना रहे हैं मैं व्लॉग बना रहे हैं। मैं क्या तबीयत खराब है मन हम ड्रिप लग गई लेकिन व्लॉग थोड़ी होने छड़ने व्लॉग श्लॉग बना लिए ना। अच्छी बात है। अच्छा किधर जा रहे हैं? मैं अम्मी जी जा रहा हूँ ज़रा मून मार्केट। मैंने इनसे ज़रा वादा किया था, मैंने कहा आपको मून मार्केट का विजिट करवाऊँगा, तो वो जा रहा हूँ उधर व्लॉग बनाने। अकेला जा रहे हैं या किसी दोस्त के साथ? नहीं अम्मी जी अकेला ही जा रहे हैं, क्योंकि रात का टाइम है ना। अच्छा, आपने उधर से कुछ नहीं खाना? अच्छा मजा व्लॉग बनाना, कुछ ना कुछ खाना पैना। नहीं 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 नहीं, मैं मसर बनाया, नाल चावल बनाए, नाल छवियाँ बनाइया, नाल सलाद बनाई। आए 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 मजे। चलो ठीक है, मैं फिर घर आके खाना खाना। चलो मैं फिर जाना ना, बाहर के खाने बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। नहीं अम्मी कई अच्छे होते ना, कई अच्छे नहीं होते। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं इतबार करती बाहर के खाने का, बिल्कुल भी बाहर के खाने क्या मक्खियां ते पता नहीं। नहीं नहीं, आजकल अम्मी जी सही हो गए ने, आजकल फिर भी सही आ रहे हैं। ਤੇ ਮੈਂ ਫੇ ਚੱਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਦੋਤਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਾਰੇ ਆਣ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਦੋਤਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਠੀਕ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਜਲਦੀ ਆ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਮੂਨ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਆ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਪੈਦਲ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਰਿਕਸ਼ਾ।
क्योंकि बाइक भाई साहब आज है कोई नहीं है, ठीक है, और बाइक ले गया हमारा कज़न, ठीक है, गाड़ी अवेलेबल है लेकिन गाड़ी पर हम जा नहीं सकते क्योंकि मून मार्केट तक जाना है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है भाई, पार्किंग मिलती नहीं है, लिहाजा हमें पैदल मैं वैसे नहीं भाई जा सकता, भैया बाजारी बड़ी है रश्के पर जाएँगे वहाँ, ठीक है। मून मार्केट यार एक ऐसी जगह है जहाँ पर शुमार स्ट्रीट फूड अवेलेबल है, ठीक है, इतने को ज़्यादा स्ट्रीट फूड आपको वहाँ पर मिल जाते हैं कि यार आप जब वहाँ जाते हैं आप कहते हैं ये चीज़ खानी है, ये चीज़ खानी है, ये चीज़ खानी है, काफ़ी ज़्यादा भाई जान वहाँ पर भाई सूरतें मौजूद हैं, ठीक है, इसलिए मैंने आज सोचा कि यार आप मून मार्केट लेके चलूँ, क्योंकि इस वाले ब्लॉग में मैंने आपसे बोला था कि यार मैं मून मार्केट का आपको विज़िट कराऊँगा, ये वहाँ पर बेशुमार नाश्ता पॉइंट्स भी आपको मिलते हैं लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में मतलब सुबह के टाइम ये ओपन होते हैं, ठीक है, बाकी जो सारे फूड पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो स्टोर वगैरह वो भाई रात को ओपन होते हैं, तो चलते हैं मून मार्केट, वहाँ का आपको विज़िट करवाते हैं और हल्का फुल्का कुछ हम भी खुद कुछ खाते हैं, तो चलते हैं फिर। अच्छा जी, रश्के में बैठ के हल्की सी आवाज़ में मैं भाई मून मार्केट आ गई, आप देखें मून मार्केट का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टॉल अवेलेबल है आपको बारी बारी सबका मैं विज़िट करवाता हूँ। तो सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर भाई बिरयानी मिल जाती है आपको, कराची नसीब और दूध की शॉप्स हैं, ठीक है, इसी के साथ साथ भाई फार्मेसीज अवेलेबल हैं यहाँ पर, और ये देखें आप स्टोर है जहाँ से आपको कपड़े भी मिल सकते हैं, ठीक है, इसी के अलावा भाई ये रेस्टोरेंट आ जाते हैं, ठीक है, अचानक बिरयानी आ जाती है यहाँ पर, ठीक है, आगे ये राइसदान है, ये भी बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, इसका भी आपको मैं जल्द विज़िट कराऊँगा आने वाले ब्लॉग्स में। इसी के आगे अगर हम बात करें तो आप ये देखें आइसक्रीम है, आइसक्रीम मिल जाएगी, हॉट रोस्ट हैं, ठीक है, आपको भाई रोस्टेड मुर्गियाँ यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है, इससे के आगे अगर हम बात करें तो जिम भी मून मार्केट में अवेलेबल है, जिम आप आएँ जिम करें यहाँ पर, 40 रुपये तरबूज भी लगे हैं, ये भी खरीदें भाई, देसी मुर्गियाँ मिल जाएंगी आपको यहाँ पर, ठीक है, इसके साथ साथ ये देखें भाई 5 शॉप आ गए हैं मून मार्केट में, और आगे अभी बारबेक्यू आ गए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सारे बारबेक्यूज आपको मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पर होटल में मौजूद है जहाँ से आपको हर किस्म का भाई दाल वगैरह मिल जाएगी, शवारमा आ गया, और इसी के साथ साथ ये देखें ये वही बारबेक्यू वाले हैं जिनके पास बारबेक्यू हैं, इससे के आगे भाई आपको देखें आप फ्राइज मिल जाएंगी, समोसे वगैरह मौजूद हैं यहाँ पर, स्टोर लगा हुआ है ये एक, और इसके आगे भाई देखें मटका है, ठीक है, सोडा, ठीक, और ये देखें कॉफ़ी बार है काफ़ी यूनिक किस्म का, और इससे के आगे भाई ये गोलगप्पे आ गए हैं, ठीक है, मिंट मार्गरीटा आ गया, और भी देखें आप लाइन में काफ़ी ज़्यादा स्टॉल मौजूद हैं, टी टोज आ गया, सबसे यूनिक छोटा पॉइंट भाई ये वाला है, ठीक है, इनका मिंट मार्गरीटा काफ़ी अच्छा है, आप इनका स्टॉल देखें कितना VIP भाई ने भाई रखा है, मेन्यू चेक करें हर किस्म का, ब्लूबेरी, ठीक है, और पता नहीं क्या का भाई इसके पास अवेलेबल है, गोलगप्पे भी इसी के स्टोर के साथ लगे हुए हैं, बहरहाल यहाँ से अभी हम भाई ने मिंट मार्गरीटे का ऑर्डर दिया है, चेक करें तैयार हो रहा है मिंट मार्गरीटा, ये पीते हैं, ठीक है, तो क्योंकि मैं ब्लॉग बनाता था क्या था, मैंने कहा यार अब मिंट मार्गरीटा पी लेना, क्योंकि खाना तो हम खा नहीं सकते, तो मिंट मार्गरीटा पिया भाई सुकून आ गया, 250 में सब कुछ शोभा आ गई है, इसके आगे भाई ये देखें फ्रूट चार दही भले अवेलेबल हैं, और ये भाई गुलशन अभी मून मार्केट है जो कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी प्लेस है, ये देखें आगे फिर रोल्स आ गए हैं, समोसे आ गए हैं, चिप्स आ गई है, ठीक है, ये पोटैटो स्पाइरल आ गए हैं, ये देखें काफ़ी बड़े भाई इन्होंने लगाए हैं आलू के, और ये भाई आइसक्रीम टाइप है, ये लड़का बता रहा है, और ये आप देखें एक लाइन में भाई कितने ज़्यादा स्टॉल लगे हुए हैं मिंट मार्गरीटा के, और भी इसमें काफ़ी कुछ मौजूद है, कपड़े भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये देखें फिर एक रो में ही भाई अलाइड बैंक आ गया है, और भाई काफ़ी पॉइंट्स यहाँ पर मौजूद है, चाइनीज़ चावल वगैरह यहाँ पर भाई अवेलेबल हैं, यहाँ पर काफ़ी किस्म के भाई क्वालिटी क्वांटिटी इसी के साथ साथ काफ़ी ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं, आप जिस भी चीज़ के शौकीन हैं आपको सारा कुछ यहाँ पर मिलेगा, ये आप देखें काफ़ी यूनिक डिशेज यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप आएँ विज़िट करें आपको अच्छा फील होगा, फैमिली के साथ आएँ, आप अकेले आएँ, दोस्तों के साथ आएँ, जिस तरह दिल करता है आप आएँ, लेकिन आप आएँ ज़रूर, ठीक है, देखें आप भाई शवारमे एक से बढ़कर एक शवारमा भी आपको यहाँ पर मिलेगा, एक से एक बढ़कर भाई स्वीट कॉर्नस भी आपको मिलेंगी, ठीक है, और स्टॉल भी आपको बड़े VIP किस्म के मिलेंगे, और ये लास्ट पॉइंट है इम्तियाज़, ठीक है, यहाँ पर इम्तियाज़ स्टॉल भी मौजूद है, एंड पे भाई मैंने फिर कहा यार हम क्यों ना ये भी खा लें, गिरी दिमाग को तेज़ करती है,
ये था जी आज का हमारा मलोक। ओहो यार अम्मी मलोक मलोक कहती है, अब मलोक कहने भूल गया। ठीक है आपने देखा, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था भाई मून मार्केट में बेशुमार फूड स्टॉल अवेलेबल है, क्वांटिटी क्वालिटी हो इतनी को आपको ऑप्शन मिलेंगी कि आप कहेंगे यार क्या बात है। ठीक अब भाई मुझे तो अम्मी की तरह से ऑर्डर हुआ था कि आपने कुछ नहीं खाना, क्योंकि मैं जाने से पहले भी मैंने खाया था और आके फिर मैंने खाना था, और अगर मैं वहाँ भाई खा पी लेता तो भाई यहाँ पर फिर अम्मी ने भाई जूती लगानी थी। अब मैंने कहा नहीं तेरे हाथ से चावल मैंने तो बड़ो खाया है, तो इसलिए भाई मैंने तो खाया नहीं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि कौन सा स्टॉल अच्छा है या कौन कहाँ पर ज़्यादा भाई अच्छा अच्छा फूड अवेलेबल है, तो यार सारे स्टॉल जितने भी स्टॉल लगे हैं यहाँ पर मोर मार्केट में भाई सारे ही बड़े अच्छे हैं और एक से बढ़कर एक अवेलेबल है। ठीक है आपने देखा इनका भाई स्टॉल ही आप देखें, इनकी इनका जो यहाँ पर इन्होंने फूड स्टॉल लगाया आप स्टॉल इनका देखें कितना यूनिक है, एक से बढ़कर एक यहाँ पर भाई अवेलेबल हैं चीज़ें। ठीक है ज़्यादा आप अगर चाहते हैं कि आप भाई विज़िट करना चाहते हैं तो आप गुलशन अभी मून मार्केट, ठीक है एक ही मून मार्केट है गुलशन अभी में, यहाँ पर आप आएँ विज़िट करें, खाएं पिए इंजॉय करें, फैमिली के साथ आएँ। ठीक है फैमिली के लिए भी भाई पार्क है, ठीक है मून मार्केट बिल्कुल उसके अंदर ही पार्क है, वहाँ पर ही भाई आपको सारी वो चीज़ें पहुँचा देते हैं, स्टॉल के जो स्टाफ हैं मेम्बर्स हैं वो आपको वहीं पर चीज़ें पहुँचा देते हैं पार्क के अंदर ही, ताकि भाई आप फैमिली के साथ भी आकर खा सकें। ठीक है लिहाजा आपने बिल्कुल बिल्कुल परेशानी होना कि भाई फैमिली के लिए जगह एक नहीं है, फैमिली के लिए भी भाई एक सेटअप बना हुआ है, ठीक है लिहाजा आप आएँ यहाँ पर इंजॉय करें। ठीक है बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से टाइटल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।